टू फैमिली आई होप यूल बैक टू नदर न्यू वीडियो आज मैं आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ इस नैनो क्रिस्टल हेयर रिमूवल के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा YouTube पे Instagram पे यानी जहाँ पे भी अब मैं जा रही हूँ ना इसी के चर्चे देख रही हूँ तो आज मैं इसका हॉनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि ये वाकई वर्क करता है या ऐसे ही लोगों ने लंबी लंबी फेंकी हुई है तो सारी डिटेल्स आपको इसी छोटी सी वीडियो में पता चलने वाली हैं सो स्ट्रेट यून वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले बात करूँ इसकी पैकेजिंग की तो इस तरह के ये हार्ड बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था जिसके ऊपर जो है इसकी तमाम डिटेल्स मैंशन है इसको यूज़ करने का तरीका इसमें कितने कलर अवेलेबल हैं सबकी डिटेल मेंशन है और यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर की पिक भी दी हुई है कि अब पहले जो है वो बाल थे देन इसे रिमूव हो गए बिल्कुल क्लियर और साथी साथी साथ ही साथ बैक साइड पे इसको यूज़ करने का तरीका भी बताया हुआ है अच्छा ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया था ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ और इसके प्राइस जो मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ जहाँ से मैंने लिया आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलेगा तो चलिए जी इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद ये कुछ की पैकेजिंग में है बबल रैप के अंदर और बाहर से जो है प्लास्टिक की इसका पूरा ये प्लास्टिक का ही है और काफी लाइट वेटेड है बाहर से कुछ इस तरह से शाइनी मटेरियल है और ये जो व्हाइट वाला आप अंदर देख रहे हो ना ये काम की चीज है टच करने में बिल्कुल ब्लर ग्लास जैसी फीलिंग आ रही है बहुत ही प्लेन सरफेस है बिल्कुल भी खुदरा नहीं है जिसे लगे कि ये हार्श करता होगा और मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि ये बालों को क्या रिमूव करता होगा जब ये इतना स्मूथ सा बनाया इन्होंने तो ये बालों पे कैसे वर्क करता है सो इसको फिर मैंने ट्राई किया और मैं आपको भी ट्राई करके बताती हूँ बस इसका ट्राई करने का तरीका ये है कि आपको इसको गीला करके यूज करना होता है सो इसको वेट कर सकते हैं एक बाजू से मैंने इसे इसी से बाल उतारे हैं और दूसरी से मैं आपको आपके सामने उतार के बताऊंगी सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे बाजू पे कितने सारे हेयर्स हैं तो मैं यहाँ पे इस पे स्प्रे कर रही हूँ बेटर है कि आप पास कोई स्प्रे या मग वगैरह रख लें जिसमें आप पानी से इसको बार बार गीला कर सकें। अब मैं आपको इसको बाज़ू पे अपने जो है वो रब करके बता रही हूँ बहुत ही फोर्सफुली आपने रब नहीं करना होता आप बहुत पोलाइटली रब करते ही जाएंगे और बाल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके रिमूव हो जाएंगे ये ना सिर्फ आपके बालों को रिमूव करता है बल्कि साथ ही साथ आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता है तो आप देखोगे अभी आगे की आपकी डेड स्किन को भी कैसे निकाल के बाहर कर देगा और इसके रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल चौंका देने वाले हैं मतलब मुझे पहले लग रहा था कि बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन यकीन करें ये कोई इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है ना बिल्कुल आपको पेन नहीं होता बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता और इतनी जल्दी बाल रिमूव होते हैं ना कि जितना आप वैक्स में जो है ना टाइम वेस्ट करते हो ना उसका आधा टाइम भी इस पर नहीं लगता यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रिमूव किया इसके साथ मेरी डेड स्किन भी निकल के आई है और बार बार इसको वेट करना होता है अगर आप इसको ड्राई यूज़ करोगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है लाइक आपको थोड़ी सी जलन वगैरह हो सकती है सो so बेटर है आप इसको बार बार वेट करके यूज़ करो आगे जाके मैं इसका डिस भी बताऊँगी आपको कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए हैं मुझे सो so आपने देखते रहना है यहाँ पर मैं इसको रब करके तमाम बाल इसे रिमूव करूँगी साथ ही साथ मेरी डेड स्किन भी रिमूव हो रही है और एज़ यू कैन सी गाय इसके मेरे बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों की ये वाली जगह पे जहाँ बाल हैं वहाँ से भी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे रिमूव किया है मैंने सो so, इसका जो साइड इफ़ेक्ट मुझे लगा है ये वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जिनकी स्किन स्ट्रीम जो है वो सेंसिटिव है स्किन मेरी भी सेंसिटिव है लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो उसको ना यूज़ करें क्योंकि थोड़ा सा रब करने का प्रोसीजर हो सकता है आपकी स्किन डैमेज हो जाए या आपको उससे प्रॉब्लम हो लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किसी भी बॉडी के थोड़े से पार्ट पर थोड़ी सी रेडनेस होती है थोड़ी देर के लिए और हो सकता है थोड़ी सी आपको बर्निंग हो क्योंकि जाहिर सी बात हम इतनी देर स्किन पे रब करते हैं ऊपर से डेड स्किन भी रिमूव होगी तो थोड़ी सी बर्निंग हुई थी मुझे तो मैंने आइस क्यूब लेकर उसको रब किया तो आपकी बर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आपको थोड़ी सी बर्निंग फील हो तो आप आइस क्यूब से अपने जो है वो उस पार्ट को जहाँ पर भी आपने इसको यूज़ किया है थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पर आइस क्यूब को जब रब करेंगे तो बिल्कुल जलन ख़त्म हो जाएगी अच्छा इसको यूज़ करने के बाद एक प्लस पॉइंट मुझे ये दिखा कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है लाइक like, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी बाल थे ही नहीं क्योंकि डेड स्किन भी निकल जाती है बिल्कुल डीपली आपके बाल जो है वो रिमूव हो जाते हैं और कोई भी देखने वाला ये जज नहीं कर पाएगा कि ये आपके बाल जो है वो वैक्स हुई है या आपने ब्लेड से रिमूव किया या क्रीम से रिमूव किया यकीन करें ब्लेड क्रीम या फिर वैक्स से अच्छे रिजल्ट मिले मुझे इसके वैक्स से भी इक्का दुक्का बाल रह जाते हैं काफ़ी मैस हो जाता है और दूसरी बात ब्लेड से कट वग़ैरह का खदशा होता है और बाल बहुत मोटे भी आते हैं और साथ ही साथ क्रीम से अगर यूज़ करेंगे तो क्रीम से भी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है और बाल मोटे निकलते हैं लेकिन इसके ऐसे कोई भी खदशात नहीं है ये बिल्कुल सेफ है बस आपने इसको थोड़ा सा जो है ना रबिंग करते हुए ख्याल रखना है इस बात का कि ज़्यादा रब नहीं करना या अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी कोई कट वग़ैरह के निशान है या कोई ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम है कोई एलर्जी है तो भी आप इसको यूज़ मत करें दूसरे सोशल नेटवर्क पे लाइक इंस्टाग्राम या अगर मैं टिकट पर देखूँ तो ये बहुत महंगा है पंद्रह सौ सौ ऐसे बहुत महंगे महंगे दो हज़ार तक भी तीन हज़ार तक भी मिल रहा है लेकिन मैंने दराज़ से लिया था तो मुझे काफ़ी रिज़नेबल प्राइस में मिला है सो मैं यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ और साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जब दराज़ पर सेल हो तब आप लो तो और भी आपको रिज़नेबल प्राइज में मिलेगा ये और ना ही इसमें सेल डलते हैं ना ही ये चार्ज होता है बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही लाइट वेटेड है मतलब सिर्फ़ एक पानी का यूज़ करना है आपने और इसको अप्लाई करना है और आपकी पास बाल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं और दूसरी बात यह है कि इसको यूज़ करने के बाद बालों का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो डाउन होता है सो so, मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है ख़ास तौर तो पर उन लोगों के लिए जो इनके पास टाइम नहीं होता वैक्सिंग का या थ्रेडिंग का तो उनके लिए बेस्ट है आप फेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एहतियात से यूज़ कीजिएगा जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो थोड़ा सा एहतियात करेंगे जी आ, पहले थोड़े से हिस्से पर यूज़ करके देखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो यूज़ कर सकते हैं वैसे थोड़ी देर बर्निंग होती है इसकी Uh, क्योंकि ज़्यादा रब कर दो तो फिर ज़्यादा बर्निंग शुरू हो जाती है लेकिन आप अगर आइस क्यूब वग़ैरह रब करेंगे और कोई अच्छा सा सुथिंग लोशन वगैरह अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको ये इशू भी नहीं आएगा मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा टाइम की भी बचत है पैसों की भी बचत है बार बार वैक्सिंग पे या थ्रेडिंग पे जो आप पैसे लगाते वो इससे बच जाएंगे आपके और साथ ही साथ स्किन के लिए बहुत बेनिफिशेंट है डेड स्किन भी साथ में रिमूव हो रही है और बाल बिल्कुल जो है वो आपके गायब हो रहे हैं पता नहीं ये जड़ों से निकाल रहा है ये ऊपर से ये तो समझ नहीं आ रहा लेकिन बाल बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ पे थे ही नहीं बिल्कुल स्किन स्मूथ हो जाती है आपकी कहीं पे भी बिल्कुल, भी बिल्कुल भी बालों के जो रूट्स होते हैं वो नजर नहीं आते सो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल पेनलेस है आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा तो आई होप कि मेरा ये छोटा सा रिव्यू आपके काम आया होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज